मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ जर्दा राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे काला नमक चावल है, आप चावल कोई भी ले सकते हैं, बासमती या फिर मंसूर, आप जो भी चावल आपके पास अवेलेबल हो उसको आप लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 कटोरी चावल है। इसमें डालने के लिए हमने चीनी लिया है, चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आइए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस में मैंने भगोना में 1 लीटर पानी डाल के रख दिया गर्म करने के लिए। अभी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम चावल डालेंगे। इधर मैंने चावल को अच्छे से धुल के रख लिया है। अब पानी में हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, मैंने फूड कलर डाल दिया है। पानी भी मेरा खूब अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें हम चावल को डाल देंगे। चावल को हम खूब अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं चावल एकदम पूरी तरह से पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट के लिए। कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे घी। मैं यहां बड़े चम्मच से 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। इसमें डालने के लिए हमने गड़ी लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है, किशमिश लिया है, पिस्ता लिया है, 1 कटोरी के करीब है। आप कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। घी हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में हम थोड़ा सा और घी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा घी मैं और ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। खूब अच्छे से हम गलने देंगे। थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। खूब अच्छे से हम इसको मिल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही लगातार गैस को कम करके लगातार इसको हम ऐसे ही चला लेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये गल गया है। अब इसमें हम कलर वाला चावल डाल देंगे। ऐसे ही हम पूरे अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसी रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम काजू किशमिश बादाम पिस्ता डाल देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। लीजिए फ्रेंड तैयार हमारा जर्दा राइस। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, कितना चावल खिला खिला बना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ,
आप देख सकते हैं। जब भी आपका मन हो इसको आराम से बना के खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।